गुड मॉर्निंग गर्ल्स, आपका फिर से स्वागत है हिस्ट्री की क्लास बीए थर्ड ईयर। मैं दीपक यादव। बीए थर्ड ईयर में जो फर्स्ट बुक है आधुनिक भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, आधुनिक भारत, ये आपके 1707 से ४७ तक पढ़ेंगे, ठीक है। जिसके अंदर जो सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं अपन, फर्स्ट यूनिट है 18वीं सदी का भारत, 18वीं सदी का भारत, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे मराठा, मराठा जिसमें पेशवा शासन, जो तीन महान पेशवा हुए थे, बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव, बालाजी बाजीराव, इनके बारे में, फिर इनका अंग्रेजों के साथ संघर्ष, आंग्ल मराठा युद्ध के नाम से जिनको हम जानते हैं, आंग्ल मराठा संघर्ष, ठीक है, पेशवा और आंग्ल मराठा संघर्ष मराठों में। फिर है बंगाल, जिसके अंदर कालकोठरी की घटना और लॉर्ड क्लाइव के द्वारा किस प्रकार से प्लासी का युद्ध, और प्लासी के युद्ध से भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना की गई, प्लासी, उसके बाद बक्सर, ठीक है, उसके बाद मैसूर, हैदर अली है इसमें, और टीपू, इसमें आता है आंग्ल मैसूर युद्ध, आंग्ल मैसूर युद्ध, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, इसके क्या कारण थे, आंग्ल मैसूर युद्ध का क्या घटनाक्रम था और क्या इसके परिणाम रहे। फिर है पंजाब, रणजीत सिंह, महाराजा रणजीत सिंह, किस प्रकार से उन्होंने पंजाब में जो सिखों की शक्ति बिखरी हुई थी अलग अलग मिसलों में, उनको किस प्रकार से उन्होंने एक किया और सिख साम्राज्य की स्थापना की। लेकिन लॉर्ड डलहौजी की जो साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा थी, उसका पंजाब शिकार हो जाता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। फिर फर्स्ट यूनिट में सेकेंड टॉपिक है भू राजस्व बंदोबस्त। अंग्रेज जब भारत में स्थायी रूप से बस गए, उन्होंने साम्राज्य स्थापित कर लिया, उसके बाद यहाँ पर जो टैक्स वो लागू करते थे किसानों के ऊपर, उस टैक्स को किस प्रकार से अंग्रेज वसूले ताकि उनको कम से कम खर्चे में ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स मिले, इसलिए उन्होंने सबसे पहले स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था बंगाल में लागू की, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था, परमानेंट सेटलमेंट भी कहते हैं इसको। उसके बाद दक्षिणी भारत में उन्होंने रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की, जिसमें किसान और जो टैक्स लेने वाले थे, प्रशासन या शासक, वो सीधे कनेक्शन में जुड़ जाते हैं, इसमें बिचौलियों को समाप्त कर दिया जाता है और ये किसानों के लिए बहुत ज़्यादा घातक सिद्ध हुई। उसके बाद है महलवाड़ी व्यवस्था, उत्तरी भारत में पंजाब वाला जो क्षेत्र था उसमें मोस्टली इसको इम्प्लीमेंट किया गया था, महलवाड़ी व्यवस्था, महल गांव के समूह को कहते हैं, इसके अंदर एक दो गांव का समूह बना दिया गया और उस समूह को ये जिम्मेदारी दे दी गई कि आपके इस क्षेत्र से जो टैक्स वसूल करोगे वही आप में जमा कराओगे। तो ये तीन है स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और महलवाड़ी। फिर तीसरा टॉपिक है इसके अंदर 1857 की क्रांति, इसके अंदर इसकी प्रकृति, क्या प्रकृति थी इसकी, इसके कारण, इसके परिणाम और इसके असफलता के कारण, असफलता के कारण हम इसके अंदर पढ़ेंगे। इसके बाद सेकंड यूनिट है
इसके बाद सेकेंड यूनिट है जिसके अंदर ब्रिटिश शासन की नीतियां, ब्रिटिश शासन की नीतियां किस चीज के लिए, आर्थिक नीतियां, ब्रिटिश शासन की आर्थिक नीतियां हम इसके अंदर देखेंगे, जिसके अंदर कृषि का किस प्रकार से उन्होंने व्यवसायीकरण कर दिया, कृषि को कॉमर्शलाइजेशन कर दिया, कृषि का किस प्रकार से उन्होंने व्यवसायीकरण कर दिया। उसके बाद उनकी कुटीर व लघु उद्योगों के प्रतिनिधियां, जो भारत कुटीर और लघु उद्योगों के कारण सोने की चिड़िया कहलाता था, उस कुटीर व लघु उद्योगों को उन्होंने किस प्रकार से नष्ट कर दिया और अपने देश इंग्लैंड में बने हुए माल को भारत में किस प्रकार से खपाया और यहाँ के जो कारीगर थे उनकी क्या दुर्दशा उन्होंने की, यह है। इसके बाद है भारतीय पुनर्जागरण, भारतीय पुनर्जागरण के कारण, पुनर्जागरण के कारण के बाद है इसमें धर्म सुधार आंदोलन, जिसमें मुख्य रूप से राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, और राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, ठीक है, धर्म सुधार आंदोलन, समाज सुधार आंदोलन, वो ये दोनों आ जाएंगे इसमें, राजा राम और दयानंद सरस्वती, धर्म सुधार आंदोलन और समाज सुधार आंदोलन। इसके बाद कांग्रेस की स्थापना, उसमें जो नरम दल व गरम दल नरम दल व गरम दल की उत्पत्ति के कारण, उनकी विचारधाराएं और वो कहां तक सफल हुए, ये इसके बारे में हम देखेंगे। उसके बाद होम रूल आंदोलन, होम रूल आंदोलन जो एनी बेसेंट ने प्रारंभ किया था, उसके बारे में हम देखेंगे। होम रूल आंदोलन के कारण और परिणाम, ठीक है। इसके बाद आते हैं अपन थर्ड यूनिट में, थर्ड यूनिट इसमें पहला टॉपिक है गांधी युग, गांधी युग, ठीक है। गांधी युग के अंदर हम देखेंगे मोस्टली उनका असहयोग आंदोलन, आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन, और भारत छोड़ो आंदोलन,
असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, इनके कारण और परिणाम, इनके कारण और परिणाम हम इसमें देखेंगे। फिर है इसके वामपंथी, वामपंथी इसके उदय के कारण और भारत में इसका प्रसार कहां तक हुआ, वामपंथी आंदोलन का, ठीक है। फिर इसके बाद आता है इसमें सुभाष चंद्र बोस, ये मोस्ट रहता है हमेशा, सुभाष चंद्र बोस व आजाद हिंद सेना, आजाद हिंद सेना का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में क्या योगदान रहा, ये मोस्ट है इसके अंदर, ये देखेंगे। फिर आता है इसके अंदर अपने कृषक आंदोलन, कृषक आंदोलन भारत में जो जब से अंग्रेज आए थे उसके बाद से कंटिन्यू जो भी कृषक आंदोलन हुए वो इसके अंदर हम देखेंगे। एक इसके अंदर लोकमान्य तिलक स्पेशली, जो बाल गंगाधर तिलक है उनके विचार भी पूछते हैं, जैसे उनके राजनीतिक विचार, शैक्षणिक विचार, ये मुख्य रूप से इसमें पूछते हैं, ठीक है। फिर एक आता है भारत की विदेश नीति, ये आज़ादी के बाद भारत की विदेश नीति, इसके अंदर मुख्य रूप से गुट निरपेक्षता, गुट निरपेक्षता नॉन अलायंस मूवमेंट नाम के नाम से पुकारते हैं, ये कुछ एक टॉपिक है जो इसमें हम देखेंगे, ठीक है। थैंक्स।